नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का किसानों ने विरोध तेज कर दिया है। गुरुवार को किसानों ने कंदापुर चौराहे से मंदिर तक नेशनल हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और कहा कि उनकी जान चली जाएगी, लेकिन वे हवाई अड्डे का विस्तार के लिए अपनी भूमि नहीं देंगे। गुरुवार को खराब मौसम के बावजूद कंदापुर, देवचंद पट्टी, गदनपुर, हिचन पट्टी, बलदेव मंदिर, कुआं मधुबन, सौरा, सांती गांव के हजारों किसानों ने NH 233 के किनारे 5 मीटर की लंबी श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। कंदापुर कस्बे से मंदिर तक हजारों की संख्या में किसान हाथ में पोस्टर लेकर तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उनकी भूमि को अमूल्य पौने दाम में अधिग्रहण कर रही है। आधा जन गांव में करीब 1000 किसान बेघर होने की कगार पर है। किसानों ने कहा कि वे तय कर चुके हैं कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। बताते चले कि आजमगढ़ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए विस्तारीकरण के तहत 670 एकड़ भूमि का सर्वे कराकर उसका अधिग्रहण करने की तैयारी में है, जिसमें करीब आधा दर्जन गांव के करीब 1000 किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है। इसी को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हवाई पट्टी का विस्तार हो रहा है, इसमें हमारे सारे किसानों की जमीन जा रही है और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि 80% किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं। वही दिखाने के लिए किसान घर से अपने निकले थे कि हम लोग जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। किसान इस विस्तारीकरण को वापस ले। गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें करीब 500 या 600 1000 घर है और लोगों की जमीन है, कहाँ लोग जाएं। यहाँ छोटे छोटे किसान है, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा, किसी के पास केवल घर है, जमीन भी नहीं है, कहाँ लोग जाएंगे। आगे भैया ये है कि जैसे यहाँ पे बाजार है, गांव है, अगर खेत जा रहे हैं तो खेती किसान जो भूमि है हमारी, किसान योग कृषि योग है, उसका नुकसान है। लोगों के घर जा रहे हैं, हजारों की संख्या में घर जा रहे हैं, लोग बेघर हो जाएंगे, वो बेचारे जाएंगे कहाँ। तीसरी चीज़ है हमारी बाजार जा रही है, बाजार हो जाएगी तो हजारों लोगों के रोजगार खत्म हो जाएंगे और उनका फिर पेट भरना दूभर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि न कोई शासन, न प्रशासन, न कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिली कुछ भी। हम लोग जब छोटे थे तो सुनते थे कि सेंध कटती है रात में, डकैती पड़ती है रात में, प्रशासन के लोग उनकी क्या मनसा थी हमको नहीं पता। दिन दहाड़े जो है खूंटा गाड़ दिया गया, उसके पहले न किसानों को कुछ मालूम था, न किसी को कुछ बताया गया। सिर्फ खूंटा गाड़ते समय पता चला तो लोग बोले कि एयरपोर्ट बन रहा है। हम लोग से न कोई बात करने आ रहा है, न चीत करने आ रहा है। समिति के लोग ज्ञापन देने गए तो प्रशासन के लोग बोले कि 70 से 80% लोग हमें सहमत है, खेत देने चाह रहे हैं। हकीकत क्या है कि अगर जो पेपर में और जो प्रशासन कह रहा है कि 600 घर जो है वो विस्थापित करने में और जो गिर सकते हैं इसमें अच्छा होंगे कवर, उसमें अगर 600 घर हैं, अगर एवरेज लिया जाए तो 5 लोग एक घर में हैं, 3000 लोग हैं। अगर आप गणित जानते होंगे तो आप जोड़िए कि 10 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनी और उसमें न श्रृंखला यहाँ मधुबन मोड़ से लेके मंदूरी मोड़ तक लगभग 8 किलोमीटर है, श्रृंखला कहीं टूटी नहीं है। तो अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें भी 5 से 6 हज़ार लोग आ जाएंगे, और जबकि लोग सट सट के खड़े थे, 10,000 लोग थे आज। और मैं प्रशासन से पूछना आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि जो 70 से 80% लोग दे रहे हैं वो कौन है? अगर वो गांव वाले हैं तो आज कहाँ से गांव वाले आ गए? नहीं, मानव श्रृंखला आपने देखा है कि हवाई अड्डा से लगाया जो है मधुबन मोड़ तक जो है रही, और इससे हम ये संदेश देना चाहे विशेषकर रेडियम प्रशासन को, जिनका बयान था कि 80% किसान सहमत हैं। हमको ये दिखाना चाहते थे कि 100% किसान हमारे साथ हैं, तो 80% आपके साथ कहाँ पे हैं? हम लोगों की संख्या तो यहाँ पे हजारों की संख्या में किसान थे, जैसा कि आप देखे ही तमाम, इतनी बारिश हो रही थी 10 किलोमीटर तक, उसके बाद भी घर से महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष सब लोग निकले हैं। जो है बारिश भी जो इनको रोक नहीं पाई, क्योंकि इनके सामने जो है पूरा घर जा रहा है, पूरा जमीन जा रही है। बहुत लोग तो ऐसे हैं कि उनका पूरा घर और मकान सब जा रहा है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे आए और सरकार से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इसके विरोध में हैं। जो हवाई पट्टी है वर्तमान में उसी को आप चालू करिए। ये हवाई अड्डे के विस्तारीकरण से कोई हम लोगों का लाभ नहीं होने वाला है। हो सकता है कि सरकार की लाभ हो, लेकिन उससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।